गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग भाई और उनकी प्यारी प्यारी बहन? होप सो मेरा लुक देखकर आप लोगों ने समझ लिया होगा मैं क्या हूँ, कौन हूँ, राइट? ओके, जिनको नहीं समझ आया मैं उनको खुद बता देता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आई एम अ टॉम बॉय, मेरा नाम संजू रस्तोगी है, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ और फिलहाल मैं स्टडी प्लस जॉब दोनों करता हूँ। ओके, तो ये तो हो गया मेरे बारे में। नाउ मैं बात करना चाहता हूँ आज एलजीबीटी के बारे में। ओके, मतलब यार अब तो लीगल हो गया है ना, तो क्या डर है, अब तो बात कर सकते हो। ओके, तो मैं अभी भी देख रहा हूँ, आज भी, आज की जनरेशन में भी, मतलब ये 2021 में भी ऐसे लोग हैं जो अपने घर से बाहर ही नहीं आ रहे। घर से बाहर छोड़ दूँ, दूर की बात है, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं वो क्या है। सीरियसली यार होता है, चलो बचपन से लेकर के जो हमारे साथ टॉर्चर होता है, एक टॉमबॉय के साथ जो टॉर्चर होता है वो बहुत, यू नो, मैं समझ सकता हूँ मेरे साथ हुआ है। ठीक है, तो कुछ लोगों के साथ होता है, कुछ लोगों के साथ नहीं भी होता है, वो लकी होते हैं, जैसे कि 100 में से 1-2% ऐसे लोग होते हैं जो इतना लकी होते हैं जिनके साथ एक टॉर्चर नहीं होता। तो मैं इस टॉर्चर के बारे में ज़्यादा बात बाद में करूँगा, फिलहाल हम बोल समझ लेते हैं कि ये एलजीबीटी क्या है। तो एलजीबीटी, ओके, एलजीबीटी फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्सुअलिटी, ओके, एक होमोसेक्सुअल होता है, एक हेट्रोसेक्सुअल होता है। हेट्रोसेक्सुअल, हाँ नॉर्मल है भाई, लड़की है, लड़की लड़के को पसंद कर रही है, नॉर्मल चीज़ है, हाँ नेचुरल है ये है। अब लड़का है वो लड़की को पसंद कर रहा है, हो गया, चलो ये तो हमारा नेचुरल है जो नॉर्मली होता ही होता है। अब यहाँ पे आता है होमोसेक्सुअल का। होमोसेक्सुअल वो लोग होते हैं जो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, ओके, उन पे भगवान की अति कृपा होती है। एक्चुअली यस, उन पे भगवान ज़्यादा मेहरबान होते हैं, इसलिए वो लोग, वो हम जैसे को स्पेशल बनाते हैं। स्पेशल, ओके, मैं बताता हूँ, एल का मतलब होता है लेस्बियन। लेस्बियन वो लड़कियाँ जो लड़कियों को पसंद करती हैं, और इसमें टॉमबॉय लेस्बियन दोनों होते हैं। टॉमबॉय, टॉमबॉय वो होता है जो बाय हर्ट एक लड़का होता है, ठीक है, और लेस्बियन वो होता है जो बाय हर्ट एक लड़की ही होती है और वो लड़की को ही पसंद करती है। टॉमबॉय लड़का होता है बाय हर्ट, ये चीज़ ध्यान रखना। कुछ लोगों को टॉमबॉय लेस्बियन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि अरे ये तो लेस्बियन है, वो चलो छोड़ो हमें क्या होना, बस मुझे यह है कि मुझे अपनी बात आप लोगों तक पहुँचानी है, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। ओके, जी पर आते हैं। जी है, जी फॉर गे। गे वो लोग होते हैं जैसे कोई लड़का तो किसी अदर लड़के को ही पसंद करता है, वो आते हैं गे। अब आता है बी। बी आता है बायोसेक्सुअल। बायोसेक्सुअल वो लोग होते हैं जहाँ पे एक लड़का लड़की और लड़का दोनों को पसंद करता है और एक लड़की लड़के और लड़की दोनों को पसंद करती है, वो होता है बायोसेक्सुअल। मतलब वो बोथ को पसंद करते हैं, ठीक है। लास्ट में आता है मैं टी। टी फॉर ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर वो लोग होते हैं लाइक मैं एक लड़की हूँ बाय जेंडर, बाय हार्ट आई एम अ बॉय, मैं टॉमबॉय हूँ आपको जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया ही है। तो वो लोग ऐसे लोग होते हैं जो अभी जैसे मैं लड़की हूँ और आगे जा कर के मैं अपना जेंडर चेंज करा लूँ, मैं लड़के में कन्वर्ट हो जाऊँ, ठीक है, तो वो आ जाते हैं ट्रांसजेंडर। अब क्या है यार, कहानी यहाँ पे आती है कि सोसाइटी, एक्चुअली जब हम लोग सोचे ना तो एक तरह से हमें खुद को एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोसाइटी तो बहुत बाद में आती है यार, बहुत बाद में आती है, हम इतना मैटर ही क्यों करते हैं, मतलब उसको इतना इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं सोसाइटी को, कि लोग हैं तुम्हें कोई, जब तुम प्रॉब्लम में होते हो तो लोग देखने नहीं आते हैं तुम्हें, जब तुम
किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते हो तो वो लोग तुम्हें दिलासा तक नहीं देते हैं, वो लोग और ज़्यादा यू नो तुम पे हावी हो जाते हैं, हाँ ऐसा हो रहा है। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल खुद को एक्सेप्ट करना चाहिए। कुछ लोग क्या हैं कि बचपन से ही हैं, कुछ लोगों के घर में बहुत ज़्यादा इशू रहता है एक्चुअली, कुछ लोगों के मोस्टली रहता ही है, कुछ लोगों के क्या तो वो चीज़ ये रहती है कि लड़की हो लड़की की तरह रहो, क्या है ये पेंट शर्ट पहन के घूमना, क्या है तुम यहाँ नहीं जा सकती, लड़की हो इतनी देर तक घर से बाहर क्यों, लड़की हो तुम उससे क्यों बात कर रही हो, लड़की हो यार कोई तुम्हारा कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, अगर कोई भी है तुम्हें अपनी तरह जीने का पूरा पूरा हक बनता है। ओके तुम जैसे हो तुम ऐसा बताओ दुनिया को कि हाँ मैं ये हूँ, हाँ आई एम अ टॉमबॉय तुम्हें बता रहा हूँ, हाँ मैं टॉमबॉय हूँ, तुम जो हो तुम भी वो चीज़ बताओ कि हाँ तुम एक फेम गर्ल हो, तुम्हें तुम लेस्बियन हो, तुम गे हो, तुम बायोसेक्सुअल हो या जो भी। ओके मैंने मेरा बस इतना ही है कि आप लोग बताओ लोगों को कि आप क्या हो। एंड सेकेंड थिंग क्या होता है ना कि हम लोगों की लाइफ में ना एक चीज़ बहुत मैटर करती है सोसाइटी, तो मेरे कहने से एक बार उसको अपनी लाइफ से बिल्कुल लोग हटा कर देते हैं। तुम क्या चाहते हो, तुम एक टॉमबॉय हो, तुम क्या होता है ना बचपन में, अरे यार ये लड़की है कैसे रह रही है, ये लड़कों की तरह क्यों है, इसके बाल छोटे छोटे क्यों, यार मेरे बाल छोटे छोटे ये मेरी लाइफ में मैं कैसे रह रही हूँ, ठीक है ना, मैं सूट पहनूँ या मैं शर्ट पहनूँ ये मेरी लाइफ है, ठीक है, मैं स्टडी करूँ या ना करूँ ये मेरी लाइफ है, मुझे जो भी करना है मैं अपनी लाइफ में आगे जाके वो चीज़ समझूंगा। जब तक मैं खुद नहीं समझूंगा ना, अगर कोई चीज़ अगर मैं गलत भी कर रहा हूँ ना तो मैं अपनी गलती को देखूंगा, जब तक मैं अपनी गलती खुद नहीं देख पाऊंगा ना हज़ार लोग आके मेरे को समझेंगे कि तुम्हारी गलती है, मैं नहीं समझ पाऊंगा। क्योंकि जब एक बच्चा कोई गलती करता है ना, सपोज वो दूध पी रहा है, ठीक है, वो दूध पीने गया, दूध पीने से उसका ग्लास गर्म था, उसका हाथ जला या उसका दूध से मुंह जला, तो वो चीज़ वहाँ पे उसको माइंड पे टच किया कि हाँ ये चीज़ गर्म है, ये चीज़ मेरे को जला रही है, मेरे को हार्म कर रही है, इसलिए मैं ये चीज़ ना करूँ, तो वही चीज़ लाइफ पे भी अलाउ करो, ठीक है ना। मतलब क्या है कि कोई अपना सोचता ही नहीं है, गलत से गलत चीज़ें कर रहे हैं, और कुछ लोग समझाते हैं, समझाना इन द सेंस कि यार ये मत कर, हमारे अच्छे लोग होते हैं जो हमें समझाते हैं ये चीज़ मत कर वो चीज़ मत कर, वो हमें अच्छे के लिए समझाते हैं, मैं नहीं कह रहा गलत कहते हैं वो लोग, पर क्या है कि हम लोगों को एक टाइम पे समझाना भी चाहिए, पर जब वो इंसान ना समझे ना तो उसको छोड़ देना चाहिए मतलब कि जब तक फिर वो ठोकर नहीं खाएगा ना वो खुद समझेगा नहीं। ऐसा सोसाइटी भी है, सोसाइटी को ना छोड़ दो, जब तक वो लोगों को खुद नहीं समझ आएगा ना तब तक वो लोग माइंड सेट नहीं करेंगे, उनको समझ कुछ भी कर लें, हम कितनी भी बोल लें यहाँ पे आगे, ये एक तरह से उन लोगों के लिए जो मैं बोल रहा हूँ वो वेस्ट होगा, जो लोगों की मेंटेलिटी एक जगह पे सेट है कि नहीं ये लड़की ऐसे करके रह रही है, क्या है क्या सीन है यार मेरी लाइफ है, मैं कैसे भी रहूँ, तुम लोगों को इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना। सॉरी मैं गालियाँ भी बकता हूँ थोड़ी बहुत, इसे गालियाँ वालियाँ बकनी चाहिए थोड़ी बहुत। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक लाइफ में एक टाइम ऐसा आता है जब हम लोग फैमिली को नहीं बता पाते, और हमें जो शुरुआत करनी चाहिए ना वो खुद से करनी चाहिए। पहले तो तुम खुद को बताओ कि तुम क्या हो, खुद अगर तुम एक्सेप्ट करते हो अपनी चीज़ को कि हाँ तुम टॉप बॉय हो, लेस्बियन हो, ये हो, ये जो भी हो, ठीक है, तो पहले तुम ये चीज़ खुद को बताओ कि हाँ तुम ये हो, देन आफ्टर अपनी फैमिली को समझो। फैमिली यार बुरी नहीं है, फैमिली तब तक बुरी है जब तक तुम ओपन सामने नहीं आ रहे हो, जब जिस दिन तुम सामने आ जाओगे, जब तुम्हें पता ही नहीं है कि रिएक्शन होने के, तुम्हें मतलब रिजल्ट का नहीं पता है बिल्कुल भी, ठीक है, और तुम एग्ज़ाम में बैठने तक से डर रहे हो, मतलब तुमने पहले ही सोच लिया कि हाँ हमारा रिजल्ट जो है वो फेल निकलेगा तो एग्ज़ाम में बैठने ही, ऐसा मत करो, एक बार कोशिश करो, कोशिश करोगे तो शायद तुम पास हो जाओ, फर्स्ट डिवीज़न आ जाए तुम्हारा, है ना। सो इन द एंड मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि
जिन लोगों को अपने आप को लेकर के थोड़ा भी कंफ्यूजन है या जो मेंटली सफ़र कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है, बहुत से लोग हैं जो अपनी लाइफ में अभी भी कंफ्यूज हैं कि मैं ऐसा क्यों हूँ या मेरे साथ क्या हो रहा है लाइक दैट। ओके, मैं भी एक्चुअली अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों से गुजरा हूँ और मैं नहीं चाहता कि उन चीज़ों से कोई और गुजरे। और इस मैं ये YouTube की वीडियोज़, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, मैं इसीलिए बना रहा हूँ ताकि जो स्ट्रगल मैंने किया वो कोई और ना करे, जो मेंटली टॉर्चर मैंने सहा वो कोई और ना सहे। हम लोग क्या करते हैं कि समझ नहीं पाते हैं एक एज में। मेरे को कोई गाइड करने वाला भी नहीं था, मैं कुछ देखना उस टाइम पे इतना ओपन नहीं था सब कुछ कि मैं कुछ यूट्यूब पे देखूं समझूं कि हाँ ये क्या होता है, ये सब क्या है। और थोड़ा फैमिली का भी इश्यूज होते हैं, सबकी लाइफ में होते हैं, सबके घर में होते हैं। तो मैं बस इतना चाहता हूँ कि जो भी लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, अपने आप को लेके कंफ्यूज हैं या कोई भी क्वेश्चन है उनके मन में, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। और जितना एक्सपीरियंस मेरा है मैं शेयर करूँगा, सजेस्ट करूँगा कि आप लोगों को क्या करना चाहिए क्या नहीं, या जो भी मैं झेला हूँ मैं उसको एक्सपीरियंस बोलता है तो मैंने एक्सपीरियंस किया है उन सब चीज़ों को, हो सकता है मैं आपके किसी काम आ जाऊँ। ओके, अगर किसी को मेरे से पर्सनली बात करना है, कुछ शेयर करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना लिंक दे दूँगा, इंस्टा आईडी का, एफबी का, जहाँ भी आप चाहो इंस्टा पे आप मेरे को डीएम कर सकते हो और एफबी पे मैसेज वगैरह जो भी चाहो आप कर सकते हो। और मैं हर रोज़ तो नहीं, हाँ, बट एवरी संडे मैं लाइव आता हूँ 9:00 PM। तो अगर आपको कोई भी इशू है या कोई प्रॉब्लम शेयर करना है मुझसे, आप पर्सनली भी कर सकते हो और मैं लाइव भी आता हूँ, वहाँ पे आके भी आप देख सकते हो। या डिस्कनेक्ट में जो जो है मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो मैं नहीं चाहता किसी की लाइफ में रिपीट हो और कोई इस हद तक डिप्रेशन में चला जाए कि वो सुसाइड जैसी स्टूपिडिटी करे। तो वो चीज़ है, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल चाहता नहीं हूँ। एंड सेकेंड थिंग, कुछ लोगों की लाइफ में होते हैं ना कि फैमिली फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली को लेके इश्यूज़ हैं, फ्रेंड्स को लेके इश्यूज़ हैं, गर्लफ्रेंड को लेके इश्यूज है, तो उस चीज़ को फेस करो, उससे भागो, भागना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। तो अगर तुम्हें कुछ लग रहा है, सपोज करो तुम्हें कुछ भी गलत लग रहा है, समझ गए गलत का मतलब, होप सो, तो तुम उस चीज़ को आइडेंटिफाई करो, तुम लोगों से क्रॉस चेक करो उस चीज़ को। ओके, बट भागो मत किसी चीज़ से, ना ही सोसाइटी से, ना फैमिली से, ना फ्रेंड से, क्योंकि जितना तुम भागोगे लोग उतना तुम्हें भागने पे मजबूर करते रहेंगे और ज़िंदगी भर तुम्हारी भागते भागते निकल जाएगी। तो ऐसा मत करो, एक्सेप्ट किया है तो ओपनली एक्सेप्ट करो, किसी से भाग के कुछ हासिल नहीं होने वाला। ओके, और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। ओके, और हाँ, अगर ज़्यादा अच्छा लगे हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ओके, ताकि जब भी मैं कोई न्यू अपडेट दूँ तो आपके घंटी बज जाए। ओके, सो बाय बाय ऑल ऑफ यू, मैं चलता हूँ, मेरा भी थोड़ा काम है, बाय।